इधर कांग्रेस के सीनियर नेता और यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को फर्जी न्यूज अपने ट्विटर हैंडल से फैलाई है। ट्वीट में उन्होंने चार फोटो लगाई और दावा किया कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव और फरुखाबाद में इस तरह के बुलडोजर से मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। सलमान खुर्शीद ने अपने ट्वीट में लिखा कि यूक्रेन नहीं, ये बुलडोजर लैंड के उन्नाव और फरुखाबाद की तस्वीरें। बुलडोजर लैंड लिखकर सलमान खुर्शीद ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। अब योगी आदित्यनाथ दरअसल सुर्खियों में भी इसलिए रहते हैं कि वो अपराधियों पर कार्रवाई करते बुलडोजर एक्शन में नजर आता है और इसी को लेकर वो विरोधियों के निशाने पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आए दिन अवैध कब्जों और अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, उन्हें लोग बुलडोजर बाबा भी कहते हैं। इसी पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने सलमान खुर्शीद के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, ये फोटो साल 2016 की है और उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे अखिलेश यादव। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल फर्जी खबरें फैलाने का काम कर रही है, या इसे दूसरे तौर पर समझिए तो इस तरह के मौके ढूंढे जा रहे हैं कि इस तरह की कोई भी तस्वीर सामने आए तो उस पर बीजेपी सरकार की किरकिरी की जाए। सलमान खुर्शीद दरअसल उन्होंने जो ट्वीट किया था उस ट्वीट को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने साफ तौर पर यह कह दिया कि वो जो ट्वीट जिस पर वो फोटो चस्पा की गई है, दरअसल वो फोटो 2016 की और तब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हुआ करते थे। आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सलमान खुर्शीद ने ट्वीट की हैं और ये ट्वीट वाली तस्वीरें देखिए किस तरीके से अवैध जो अतिक्रमण किया गया उसे हटाया जा रहा है। अब कार्रवाई अखिलेश यादव के वक्त की थी लेकिन यहां पर मौका ढूंढा जा रहा था योगी आदित्यनाथ को घेरने का। सलमान खुर्शीद जो कि वरिष्ठतम नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी ओर से दरअसल ये ट्वीट किया गया। हालांकि इस तरह के ट्विटर पर तस्वीरें पहले भी फेक पोस्ट की जाती रही हैं, कई बार नेताओं को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है और सलमान खुर्शीद ने एक और फेक तस्वीर के माध्यम से मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने दरअसल ये बताया कि उन्नाव और फरुखाबाद की ये तस्वीरें जहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कई सारी तोहमत लगा दी अपने इस ट्वीट में योगी आदित्यनाथ पर, लेकिन जब सच्चाई पता चली तो शायद इस पर सलमान खुर्शीद शर्मिंदा हुए होंगे क्योंकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने उन्हें रिट्वीट करते हुए लिखा कि 2016 की यह तस्वीर है। और सलमान खुर्शीद इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सर वो गलती से आपने पोस्ट कर दिया था या कोई और वजह थी, क्योंकि इस पर तो खुद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सफाई दे दी है। क्या दे दी है सर? आपने जो फोटो ट्वीट की थी जिसमें आपने कहा था कि फरुखाबाद में और उन्नाव में बुलडोजर चलाए गए हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय लिख रहा है कि ये 2016 की फोटो है जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सुनिए ऐसा है कि ये तस्वीर मुझे अब लोगों ने दी, फरुखाबाद में मैं स्वयं मौजूद था जी। फरुखाबाद की जो तस्वीर है वो मेरे सामने की ली गई है, मैं वहां खुद मौजूद था, अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ कि ये 2016, 2014, 2010 की बातें ना करें, ये जवाब दें कि क्या वहां तोड़फोड़ हुई है कि नहीं हुई है। पांच लाख लोगों ने इन्हें रीट्वीट किया है तो ये बता दें, वो ये बता दें कि वहां तोड़फोड़ नहीं हुई है, ये बता दें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फरुखाबाद में मेरे सामने तोड़फोड़ चल रही थी, आज भी वहां तोड़फोड़ चल रही है, तो ये बताएं कि फरुखाबाद में नहीं हो रही है, उन्नाव में नहीं हो रही, इतना बता दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर यहाँ पर तस्वीर की सत्यता को लेकर दरअसल सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी ये सुनना चाहेंगे। ये सर फोटो आपने अपने कैमरे से लिए या आपके किसी अपने ने कैमरे से लिए और आपने पोस्ट किए? सुनिए मैं कोर्ट में नहीं हूँ, आपके सवाल जवाब मैं नहीं दूंगा, आप वहाँ के अपने मीडिया के लोगों से पूछ लीजिए कि वहाँ जो तोड़फोड़ हुई है उसकी तस्वीर मंगा लें। चौथी तस्वीर जो है वो फरुखाबाद के उस घर की है जो मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, समझे, मैं वहां बैठ कर आया हूँ, तो मुझसे वो सवाल मत पूछिए जिसकी कोई ना सर है ना सर। आप तो बड़े हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं? सुनिए, अगर मैं बड़ा हूँ तो मुझसे ये पूछिए, आप अपनी आंखों से देख कर आए हैं? मैं फोटोग्राफर नहीं हूँ, जो लोग फोटोग्राफ वहाँ लेंगे मुझे देंगे, मेरा ये फर्ज बनता है कि उनको मैं आगे सामने करूँ। और अगर 16 में अखिलेश यादव जी ने ये करवाया है या किसी और ने करवाया है तो वो कहने से बात पूरी नहीं होती। ये बताइए कि आप आज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फरुखाबाद की मैं आपको फरुखाबाद की बात स्पष्ट कहता हूँ कि अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, क्या मैं अंधा हूँ, मैंने नहीं देखा है? इसका जवाब दे दें। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, मैं लोगों के साथ बैठ कर आया हूँ, चाहो तो मैं उनके नाम भी बता देता हूँ, कहाँ कहाँ पर हुआ है, कौन कौन सी सड़क पर हुआ है,
और क्या क्या हुआ है मैं सब बता सकता हूँ, कोई इसमें समस्या नहीं। चलिए सर, आपने एक बात तो साफ कर दी कि आपने इसे खुद अतिक्रमण को हटते हुए देखा है, हालांकि हो सकता है कि उन तस्वीरों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। आगे